तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और लास्ट एपिसोड में मतलब थर्ड एपिसोड में क्या कुछ हुआ था आप सभी को पता है। जैसे कि हम लोग गए थे माइनिंग करने के लिए और हम लोगों को तीनों चीज़ें मतलब डायमंड, गोल्ड और आयरन, तीनों चीज़ें साथ में मिल गया था। हालांकि डायमंड बस एक ही मिला था, गोल्ड से उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा मिला था और आयरन भी अच्छा खासा मिल चुका था। और उसके जरिए हम लोगों ने अपना आयरन का भी पिकेक्स बना लिया था, मतलब फर्स्ट टाइम हमारे पास आयरन का कोई सामान है। और अभी मेरे पास खाना कुछ नहीं, एक सेकेंड मैं खाने के लिए फर्नेस में जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे पकाई हुई खाना मिल जाए। और ना गाइस आज बहुत कुछ दिखाने वाला हूं मैं आपको, और अपना आज मेन काम बहुत कुछ होने वाला है, मतलब आज लिटरली बहुत सारा काम है। जैसे कि आज हम अपने घर को भी थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपने घर को, क्या कुछ किया है वो तो मैं आप सभी को दिखाने भी वाला हूं अभी। और आज का मेन जो काम होने वाला है वो है हमारा फार्मिंग गाइस आज हम बहुत ज्यादा अपना अपग्रेड करने वाले हैं। तो आज अपने फार्म को इतना ज्यादा बढ़िया कर देंगे जितना हमसे हो सकेगा आज बहुत ज्यादा। मतलब अभी तो हमारे पास गाय भी नहीं है, भैंस भी नहीं है, भेड़ नहीं है, तो बहुत सारा कुछ नहीं है। इवन मैं तो सोच रहा हूँ हॉर्स वॉर्स और या फिर कुत्ते मतलब डॉग्स वॉग्स जितना भी मुझे मिल जाए ना सबके सब आज हम ले लेंगे, जितना भी मुझे मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। हाँ गाइस एक चीज और है, मैंने अपने घर को ना टोटली अपग्रेड किया अभी के लिए, बहुत कुछ मैंने इस पे बदलाव किया है। जैसे कि गाइस यहाँ पे बाहर से लुक पहले देख लो फिर मैं अंदर जाके भी दिखाता हूँ। अभी तो मेरे पास यहाँ पे मुर्गा नहीं है, चलो इनको खिला देता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, तुम लोग खा लो, एक बच्चा चाहिए मुझे प्लीज। अरे ये तो छोटा है खुद ही यार, कैसे बच्चा देगा। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा बड़ा हो जाओ, मतलब एक बंदा बड़ा हो जाओ। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा घर का सेप, कुछ ऐसा मैंने बनाया अभी के लिए घर का। ये मैंने थोड़ा थोड़ा बाउंड्रीज करना शुरू कर दिया है, जैसे कि हाँ, बट घर को मैंने उतना भी अभी तक अपग्रेड नहीं किया जितना मैं अभी आगे जाकर करने वाला हूँ, अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन ये देखो बाहर से कुछ ऐसा मैंने लुक दिया है, लाइक कैसल टाइप ऑफ कुछ लुक दे दिया है। यहाँ पे ऊपर पे सारा जो है मेरे मसाले वगैरह मतलब टॉर्चेस मैंने लगा दिया है यहाँ पे देखो, ताकि दूर से भी आराम से दिखे कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है। और यहाँ पे ना ये सीरिया, ऊपर की कुछ सीरिया जो है मैंने विलेजर्स से चुरा के लाया था, तो यहाँ पे सारा कुछ सीरिया मैंने लगा दिया है। बट मुझे अब लग रहा है कि मैं एक काम करूँगा ना, ये सारा कुछ एक साथ ही मैं ना लगा के एक यहाँ पे वुडन का सीरी होगा, फिर दो पत्थर के सीरी, फिर दो वुडन के सीरी, फिर दो पत्थर के सीरी, ऐसे करते करते आएंगे ना तो अच्छा लगेगा। नहीं तो भाई ऊपर का पूरा ये देखो वुडन का सीरी बन चुका है और यहाँ पे नीचे से कॉबल स्टोन का, मतलब सिर्फ स्टोन का सीरी है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ये लगाता स्टोन का और ये लगाता रूट का, तो अच्छा नहीं लग रहा है। खैर छोड़ो यार इन सब चीज़ों को, पहले मैं आप लोगों को मेन चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आ जाओ गाइस, मैंने ये बना लिया अपना घर। पहले तो ये है कि आप लोगों ने मेरा ये घर का यहाँ पे ये सीन देखा था, ये घर भी छोटा था, रूम भी छोटा था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और बड़ा करने के बाद यहाँ से मैंने असली काम शुरू किया है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या सीन है ना, मैं माइनिंग कर रहा था और आराम से मतलब लकीली मुझे यहाँ पे दो आयरन का मतलब तीन आयरन के यहाँ पे देखो पत्थर भी देखने को मिल गए। मैंने इनको माइन इसलिए नहीं किया, मैंने मुझे आप लोगों को दिखाना था कि ये सीन है। और वैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना अपना एक यहाँ पे देखो, मैंने सोचा है कि इसको टोटली अपना बेस कैंप बनाऊंगा जहाँ पे मैं पूरा अपने सामान वगैरह को और भी खुफिया तरीके से रख सकूँ। और यहाँ पे ना गाइस अभी भी काम बहुत सारा बाकी है, तो मैंने यहाँ पे काम अभी रुक रखा है क्योंकि अभी मैं टोटली अगर बहुत दूर आगे चला जाता तो आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना मिस हो जाता, तो मैंने बहुत काम रोक दिया है। और यहाँ पे ना इस साइड को, राइट साइड को आप बोल सकते हो, यहाँ पे आके मैंने माइनिंग का काम करने का सोचा है कि अपने घर पे रहकर माइनिंग करने का। वैसे गाइस आपको एक चीज बताऊं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये शायद आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे देखो टॉर्चेस लगा हुआ है, ये वही एरिया है जो कि हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पे हम लोग आए थे वो पहले बार, हम लोग जो खदान पे आए थे जहाँ पे माइन कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग फंस गए थे, अपना सारा सामान चला गया था, वही वाला ये एरिया है। लेकिन इस बार ना इसको हम लोग एक्सप्लोर जरूर से करेंगे क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया था, बट इस बार तो हमारे पास बहुत कुछ सामान वगैरह हथियार भी है, तो भाई उतना ज़्यादा हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार रास्ता भूल जाता हूँ, यहाँ पे किस साइड से आया था मैं, वैसे यार इधर से आया था, ये पानी गिर रहा है, ये तो दूसरा साइड है, ओके मैं इधर से आया था। चलो एक सेकंड, मुझे यहाँ पे ना रास्ता बना देना पड़ेगा एक अच्छा सा, मतलब टॉर्चेस वगैरह लगा देनी पड़ेगी, नहीं तो भाई मैं रास्ता बार बार, पता नहीं मेरे साथ क्या स्कैम हो जाता है ना, मैं बार बार रास्ता बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ। और ये वाला देखो एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मेरा घर का सबसे बोल सकते हो मस्त और सबसे खतरनाक वाला एरिया है जिसको मैं एक्सपेंड करूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको नज़ारा देखने के लिए ऐसे करके रखा है ताकि यार मज़ा आ जाए। कभी कभी यार मैं बोर हो रहा हूँ तो यहाँ पे बाहर आके खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से मैं आराम से नज़ारा देख सकता हूँ, नीचे पानी वगैरह सब कुछ है तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिलहाल गाइस मेरे को यहाँ पे आयरन वगैरह जितना है ना मुझे कलेक्ट कर लेना है अपने को, क्योंकि आयरन मुझे बहुत चाहिए। अभी देखो अपने का आगे क्या प्लान है, आज तो फिलहाल हम लोग अपने फार्मिंग को टोटली बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, लेकिन हम आगे क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको पत्थर से थोड़ा सा, अरे भाई दो ही पत्थर है मेरे पास, एक और पत्थर है क्या, एक सेकंड में यार, यहाँ पे कॉबल स्टोन या ये मिल गया, तो
आज ना गाइस पहले हम काम ये कर लेते हैं कि पहले हम लोगों को फार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार दिक्कत क्या हो जाता है ना कि जब भी हम लोग माइनिंग वगैरह या फिर कहीं पर भी जाते हैं किसी काम के लिए, हमारे पास खाने की कमी पड़ जाती है और ये इसी वजह से होता है। ये देखो इस मुर्गी ने अपना यहाँ पर अंडा छोड़ दिया है, और एक सेकेंड भाई तुम बाहर बता जाना बस। और यहाँ पर अपना सारा कुछ ये बन चुका है। और गाइस आपको पता है एक बहुत कमाल की बात है, मज़े की बात है, मैंने भी खुद देखा, मुझे भी पता नहीं था कि एक सेकेंड मेरा यहाँ पर नीचे चला गया एक, तो आ जाए, ओके आ गया। तो गाइस ये सारा जो मैंने फसल वगैरह ये जो लगाता हूँ ना, ये सारे जब लगा देता हूँ और वीट में कन्वर्ट हो जाते हैं ना जब, तब उसके बाद क्या होता है, जब मैं इसको तोड़ देता हूँ, मतलब दोबारा से मैं इनको जब यहाँ से उठा लेता हूँ ना, तब मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब डबल डबल मिल जाते हैं। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे इन तीनों फसल को लगाया और इनको मैं अभी चाहूँ तो अगर उठा भी दूँ ना ऐसे, मतलब ऐसे मैं उठा दूँ अगर, तो अभी तो ये खैर फसल कन्वर्ट नहीं हुआ है वीट पे, पर जब ये बड़े हो जाएंगे ना अच्छी तरीके से फसल उग जाएंगे, उसके बाद अगर मैं इनको तोड़ूँ तब मुझे एक्स्ट्रा फसल देखने को मिलेगा। मतलब एक मैंने लगाया इसकी जगह पे मुझे दो देखने को मिलेगा, तो एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इन सबको दोबारा से लगा देता हूँ और रात भी हो रहा है तो आज के लिए मैं सो जाता हूँ। कल से अपना पूरा फार्मिंग का काम शुरू कर देते हैं और फार्मिंग को एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्रो कर लेंगे कल। ओके तो भाई सुबह हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं ना अपने पास जितने सारे रॉ आयरन मटेरियल मिला था, अभी हमारे पास ये आयरन जो भी मिला था इसको हम फर्नेस पे डालेंगे और अपना ये आयरन को टोटली आयरन इनगट में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कि आयरन का मेन ही काम तो है आयरन इनगट बना के और ही काम करना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी काम करो। वैसे मेरे पास पहले से दो या फिर एक पड़ा हुआ है शायद से आयरन इनगट, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। हम लोगों को और भी ज़्यादा माइनिंग करना पड़ेगा और ज़्यादा हमें आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हम लोग आराम से अच्छा खासा एक मतलब चीज़ बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आराम से बना सकते हैं। अब ना गाइस क्या करेंगे, अब जल्दी से जाते हैं और अपना यहाँ पे फार्मिंग का काम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे दो जगह बना दिया है ताकि मैं यहाँ पे कुछ गाय वाय जो भी अभी फिलहाल के लिए आएंगे उसके उनको मैं यहाँ पे डाल सकूं, और बाकी जो भी है उनके लिए मैं अलग से जगह भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फार्मिंग के लिए बहुत कम ही जगह है, मुझे लैंड चाहिए होगा ज्यादा से ज्यादा और मुझे उन सभी को जो है बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे चाहिए गाय या फिर भेड़ टाइप का कुछ, घोड़ा तो मुझे फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि घोड़ा पाल के मुझे बस घोड़े से बस मुझे कहीं पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद मिलेगा, बट फिलहाल के लिए मुझे खाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक काला भेड़ देखने को मिल गया है, तो इसको लेके आता हूँ। यहाँ पे गाय भी है, वैसे गाय को लेके आ सकता हूँ क्या मैं, यहाँ से बहुत दूर पे है इस साइड पे। तो गाइस अभी ना फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ इस साइड में और अपने हाथ में मैं लेता हूँ वेट। अब वेट अगर इन लोगों को मैंने दिखाया तो ये लोग ऐसे चले आएंगे मेरे पीछे, दौड़ के चलेंगे। देखो दो गाय है और इनको मैंने खाने का लालच दे दिया है, और ये लोग ना ये आ रहे भाई पानी के ऊपर से आ रहे क्या, आ जाना प्लीज, आ जा कम ऑन। अरे भाई मुझे लगता था यार इन लोगों को तैरना वैरना आता है, अबे फेंक दिया यार गलती से, सॉरी भाई। अरे ये क्या हो गया, स्कैम हो गया मेरे साथ। चलो ये ले लिया, ऊपर चलो ब्रो जल्दी से ऊपर आ जाओ। ओके मैंने गलती से ना फेंक दिया था, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ तुम लोग आराम से। अरे मैं तुम लोगों को खाना दे दूंगा, टेंशन मत लो, तुम लोग बस मेरे कहना मान के आ जाओ मेरे साथ साथ मेरे फार्म तक आ जाओ, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये घोड़े को देखो भाई, ये भी देख लेगा ना तो ये भी आने शुरू कर देगा। भेड़ भी चाहिए मुझे, अपने फार्म को भी बड़ा करना है उससे पहले, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक मुर्गा फार्म है और ये आ रहा है अपने पास काओ फार्म, इनको नहीं दिखाना है ब्रो, जल्दी से तुम लोग आ जाओ। अरे ये लोग वापस जा रहे हैं यार, इतना दूर तो आ गए, जल्दी से आओ ना भाई, तुम लोग बहुत फालतू गेड़ी करते हैं ना इसीलिए गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। आ जा भाई, बहुत दूर आ गए यार तुम लोग, जल्दी से आ जाओ, कम ऑन। अगर ये लोग लैंड पे आ जाएंगे ना तब ये लोग दौड़ना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी ना ये पानी के ऊपर पता नहीं इनका वैसे भी इतना बड़ा है, मतलब शरीर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है ना इनका। तो अभी ना गाइस ऑलमोस्ट ये लोग आ चुके हैं मेरे फार्म के एकदम बहुत ही पास, और ये लोग आ तो रहे बट बहुत ज़्यादा धीमे धीमे, और मुझे ना यहाँ से एक रास्ता भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इधर लेके आता हूँ। अबे आ जा रे भाई, क्या कर रहे है, आ जा कम ऑन। अरे वो भाग गया, देखो यार इनका मतलब सीन कुछ ऐसा है ना कि इनको शायद लगने लगता है कि भाई ये मुझे खाना नहीं दे रहा है, बस ललचा रहा है इसीलिए। अबे यार मैं गिर गया इधर, आ जाओ बहुत बढ़िया इधर आ जाओ, मुर्गे फार्म में नहीं तुम लोगों को इधर आना है, इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ अंदर ही आ जाओ, इधर घुस जा बेटे, घुस जा। अबे ये ऊपर कैसे चला गया, इधर घुस नहीं पा रहा क्या ये, ओ भाई घुस नहीं पा रहा है। अरे क्या बंदा था भाई लिटरली। चलो लगा देते हैं, अब इनको मैंने खाना खिला दिया। अबे
खाना तो खिला दे। ओके चलो दोनों को मैंने खिला दिया है, और यहाँ पे देखो एक तीसरा मेंबर आ जाने वाला है अभी। ये देखो नीचे से आ गया भाई, ये देखो तीसरा मेंबर नीचे आ गया, और ये देखो। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमें ब्रीडिंग को बढ़वाना है अपने बहुत सारे, और मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना ये भी बन रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग बना लेते हैं। और अभी ना मुझे भेड़ों की भी जरूरत है, लेकिन गाइस उससे पहले ना हम थोड़ा सा अपने एरिया को भी बढ़ा लेते हैं, अपने फार्मिंग के एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अभी तो बहुत कम है यहाँ से, इतने से काम नहीं बनने वाला है, तो मैं इन सबको उड़ा देता हूँ पहले फटाक से। मेरे पास वैसे शवल तो बहुत सारे हैं, तो मैं इन सारी जगह को उड़ा देता हूँ। और मैंने सोच रहा हूँ आगे ये सारा, ये अपने पास जो सामने का समुंदर है ना, इसका एरिया मैं भी कवर कर लूँ, इसमें भी मैं लैंड करूँ, तो वो आगे वाली बात है, मैं बाद में सोचता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत सारी जगह चाहिए। तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने ये सारा जगह तो बहुत ज़्यादा खाली कर दिया अभी के लिए बहुत हद तक, लेकिन अभी भी बहुत सारा मुझे एरिया चाहिए होगा बाद के फार्मिंग के लिए। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए मैं भेड़ों को लाकर यहाँ पे फार्मिंग के लिए एक अलग से जगह बना सकता हूँ। और अभी तो फिलहाल के लिए रात भी हो रहा है, तो मैं कल सुबह को ही काम दोबारा से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि रात को मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिलहाल मैं उधर जाऊँ तो जाऊँ कैसे भाई? एक सेकेंड, मैंने तो अपने साथ ही स्कैम कर डाला यहाँ पे। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, और यहाँ से मैं आ गया ऊपर। और आज के रात के लिए ना सो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आज रात को मैं कोई भी फालतू गड़ी नहीं करना चाहूँगा, और कल रात को उठ के डायरेक्ट हम लोग जो है भेड़ लाने वाले हैं। तो गाइस अभी ना मैं बहुत देर से ढूंढे जा रहा हूँ भेड़, बट एक भी जगह पे मुझे शिप वगैरह भेड़ मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। एक ना तो ब्लैक शिप मिल रहा है, ना तो वाइट शिप मिल रहा है, सिर्फ गधे और घोड़े मिल रहे हैं, बट उनको मुझे अभी चाहिए नहीं है। घोड़ा भी नहीं चाहिए, गधा भी नहीं चाहिए। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे विलेज की तरफ आ चुका हूँ, और मुझे खाना भी है, मुझे खाना तो ज़रूर है, क्योंकि मेरा खाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ा है। लेकिन स्टिल यार मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक घोड़ा वगैरह अगर मिल जाए, घोड़ा क्या यार, भेड़ मिल जाए तो सही है, अगर भेड़ ना मिले ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये देखो भाई, जनाब को देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो भाई नहा रहे आराम से भाई, मस्त मौला तरीके से आयरन गोलेम नहा रहे अपने। तो गाइस मैंने बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं आज क्या है, एक भी शिप नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे देखो, बोलते बोलते एक शिप देखने को मिल गया मुझे, बट मेरे को खाना है यार, लिटरली मुझे खाना है। अब इसको मैं पका तो नहीं सकता अभी फिलहाल, लेकिन खाना है, क्योंकि मैं दौड़ भी नहीं पा रहा उसकी वजह से, खाना मुझे चाहिए था। और मैं इन शिप जनाब को एक को तो लेके जाता हूँ कम से कम। एक्सक्यूज मी, हेलो, आ जाओ ब्रो, प्लीज़ तुम्हारे लिए मैं इतना दौड़ दौड़ के, अब मैं इसको हाथ से निकल तो नहीं देने जाता हूँ, बट इतना दूर मुझे जाना पड़ेगा इसको लेके यार, ये तकलीफ़ वाली बात है, क्योंकि इतना दूर इसको लेके जाना भी भाई, ऊपर से ये पानी भी सामने आएगा, अब इसको पता नहीं पानी में क्या तकलीफ़ होगा कि नहीं। अबे तू भी यार, ये भी पता नहीं यार, यहाँ पे इतने सारे जानवर सुस्त क्यों हो रहे हैं, मुझे पता नहीं यार, सारे के सारे लेजी है यार। तो अभी ना मैं इसको पानी की तरफ से ले जाने वाला हूँ, अब मुझे पता नहीं पानी में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, बट ये रास्ता छोटा है, आई थिंक इसको आ जाना चाहिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आ जा बेटे। वैसे यार हर एक जानवर को तैरना आता है, ये तो भाई आम बात है, बट कोई कोई जानवर होता है ना कि भाई मुझे आता तो है बट मैं आऊँगा नहीं, ऐसा सीन है, पानी से नहीं आऊँगा भाई, नहाना नहीं है, पता नहीं इनको क्या नहाने में दिक्कत है, हमको तो बोलो भाई दो तीन बार नहा लेते हैं। वैसे यार फालतू की बात छोड़ो यार, यहाँ पे आ चुका है, वैसे ये शिप अच्छा है, लेकिन अभी भी एक और पानी का रास्ता हमें तय करना है, और इसको तो मैं ले जा सकता हूँ यहाँ से इजी पीजी। उठ जा, बहुत बढ़िया, चलो अब चलते अपने घर की तरफ। वैसे मैं अपना घर भी भूल जाता हूँ इस चक्कर में, पता है विलेज की साइड पे था, मैं घर ना भूल जाऊँ भाई इस चक्कर में, किस हक के यार विलेज किधर था यार। अबे ये दोबारा से यार मुड़ के झाड़ है, क्या तकलीफ है भाई तेरे को, खाना खाना है, चल एक एक खाना खिला दिया, चल आ जा इस बार आ जा। तो गाइस मैं ना फाइनली इसको लेके तो आ गया, बट मैं ना एक चीज भूल गया था कि मैंने ना वो फेंस तो बनाया है नहीं, तो मुझे जल्दी से फेंस बना लेना पड़ेगा, और मैं इसको ना अभी फिलहाल के लिए इधर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वो बनाया नहीं है, नहीं तो भाई ये भाग जाएगा अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ तो पहले मैं फटाक से अपना फेंस बना लेता हूँ यार, ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। गाइस मैंने ना कम से कम 12 o'clock ले लिया अभी फिलहाल के लिए, मुझे लगता है कि ये सारे सफिशियंट होने वाले हैं। अब देखना पड़ेगा कितने प्लैंक्स बनते हैं, यहाँ से 48 प्लैंक्स बन चुके हैं, अब इन प्लैंक्स का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा फेंस बनाने के लिए, बट इन प्लैंक्स से मुझे पहले स्टिक भी बना लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्टिक्स भी नहीं है, तो देख लेता हूं जितना हो सके मिनिमम मतलब मैक्सिमम मुझे स्टिक्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फेंस भी तो बहुत चाहिए होंगे ना मुझे। तो अब बना लेते हैं फेंस। अब फेंस बनाने के लिए जहां तक मैंने देखा था कि ऐसे कुछ करना पड़ता है, ये हो गया अपना फेंस। ओके तो गाइस बन चुका है यहां पे अपना 3 फेंस, और मैं ऐसे ही करके जितने सारे हो सकते हैं अभी फिलहाल के लिए मैं सारा बना लूंगा, जितना हो सके मैक्सिमम अपना फेंस बना लेंगे, ताकि कम से कम हम भेड़ों के लिए तो अपना एक दूसरा फार्म बना सके। 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये दोनों ना बच जाने वाले, तो मैं इनको उठा लेता हूँ, और जितने सारे यहाँ पे आ जाएंगे
भाई अरे भाई मैंने यहाँ पे स्टिक्स बिठाया ही नहीं यार, लॉल हो गया मेरे साथ, स्कैम हो गया। यहाँ पे 6 5 6 हो गया और बाकी के मैं स्टिक्स यहाँ से उठा लेता हूँ और शायद अब सही सही हो गया है। एक सेकंड, ओके कीस, और ये हो गया अपने पास 22। तो गाइस 22 फैंस आ चुके हैं अपने पास, जो कि मुझे लगता है कि अभी के लिए तो एकदम ठीक ठाक सा है, सफिशियंट सा है। तो मैं इनको बना लेता हूँ दूसरा अपना एक। अबे यार मैंने ना यहाँ पे एक बहुत गलती कर दिया पता है, मुझे यहाँ से एक बाहर जाने का एक रास्ता बनाना पड़ेगा। अरे आ ही गया था बाहर के लिए, एक सेकंड। तो मैं यहाँ पे ये जगह बना देता हूँ भेड़ों के लिए, आई थिंक ये वाला सही रहेगा। थोड़ा सा इस साइड को कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये लगा दिया मैंने दरवाज़ा और ये बन गया हमारा भेड़ों का फार्म। तो गाइस फिलहाल के लिए हम लोगों ने बना लिया है भेड़ों का फार्म अपना, जहाँ पे यहाँ पे हम लोग अपने शिप्स पालने वाले हैं। तो इन लोगों को पहले मैं थोड़ा सा खिला देता हूँ, अगर ये लोग भूखे हैं ना। तो एक सेकंड भाई मुड़ गए लोग, जल्दी आ जाओ, मुझे चाहिए तुम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे मदद चाहिए होगा। मैं दोबारा से खिलाता हूँ, एक सेकंड मैं तुम दोनों को ही खिलाने वाला हूँ अभी। एक मिनट, जल्दी से जल्दी इधर आ जाओ, खिलाने से तुम लोग बच्चा दोगे ना अभी। जल्दी आओ इधर आ जाओ, ओके अभी देने वाले ये लोग, जल्दी दो। चलो तीसरा मेंबर आ चुका है, अपने लिए तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि मुझे तो बस मेंबर चाहिए। जितने ज़्यादा तुम लोग बच्चे पैदा करोगे उतना मेरे लिए फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे बना देता हूँ, ये अपना हो गया और ये बिठा दिया मैंने, ओके। तो गाइस अभी ना मैं फटाक से अपने शिप को यहाँ पे लेके आता हूँ, क्योंकि वो बेचारा यहाँ पे बहुत देर से। अबे ये तू क्या कर रहा है भाई, ये मेरा फार्म है, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। मतलब फार्म नहीं है, ये मेरा बेस कैंप है, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। तुझे मैं तेरे घर पे लेके जाता हूँ, तेरे लिए मैं बहुत आलीशान मैंने घर बना दिया। जल्दी से आ जा मेरे पास, आ जा जल्दी। क्या कर रहा है इसको बेचारा, फंस गया यार। देखो मोटा है ना बहुत यार, शरीर बहुत बड़ा है इसका। तो इधर, अबे यार मैं तेरे चक्कर में मर रहा हूँ यार लिटरली, मुझे यहाँ से घर बनाना चाहिए। चलो इधर इधर से आ जा, इधर से आ जा, जल्दी आ जा, ओके ये बढ़िया रास्ता है वैसे मेरे लिए। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ये कहाँ पे खोला था मैंने, ये रहा, इधर आ जाओ जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखो ये लोग भी देख रहे हैं मुझे, पता था भाई यही सीन होगा। तो ये हो गया और मेरे फार्म में फाइनली गाइस शिप भी मैंने ला लिया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। अबे यार मैं तो खुद गिर रहा हूँ। तो मैंने फाइनली शिप, काऊ और मुर्गे तो भाई पहले से ही थे अपने पास, ये सारा तो मैंने ला ही लिया है। बट अभी जो है मुझे फार्म में शिप्स और एक दो चाहिए होंगे, ताकि मैं इनका ब्रीडिंग करवा सकूँ। और ये किसका आवाज़ आ रहा है वैसे, कोई तो चिल्ला रहा था भाई सुबह के टाइम पे, अगर ये सब आवाज़ें करते हुए आएगा ना तो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मैं स्वॉर्ड अपने पास रखूंगा ज़रूर। तो गाइस फाइनली मुझे एक शिप तो मिल चुका है, लेकिन ये ब्लैक शिप है। बट मुझे पता नहीं कि यार ब्लैक शिप और वाइट शिप दोनों का एक साथ में ब्रीडिंग कर सकते कि नहीं साथ में, मतलब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट स्टिल यार इसको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साथ में मैंने भर तो दिया दोनों को एक साथ में, बट मुझे पता नहीं कि क्या सीन होने वाला है, चक्कर क्या चलने वाला है। मैं इतना सा सिर्फ मतलब अनाज उगा रहा हूँ, उससे भाई इन सबको खिला के मैं इतना सा काम नहीं कर सकता, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं अभी टोटली जो अपने फार्मिंग को इतना बड़ा कर लेना चाहता हूँ, ताकि मुझे खाने का ज़रा सा भी तकलीफ ना हो। अभी तक मैं सोच रहा था कि चलो यार इन सब चीज़ों से मैं इन सभी को जो है बुला के लाऊंगा और यहाँ पे अपना फार्मिंग शुरू कर लूंगा, लेकिन नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला है। अभी मुझे अपने अनाज को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मेरे पशुओं की संख्या बढ़ रही है ना, जैसे इतना सारा मैंने मुर्गा, फिर गाय, फिर मतलब भेड़ सब कुछ आ चुका है, तो अभी उस हिसाब से मुझे अपने अनाजों का संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी में बढ़ाना पड़ेगा। इनको और ज़्यादा फसलें उगानी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि इनको भी तो खिलाना पड़ेगा। ज़्यादा पशु हो जाएंगी तो भाई उनको भी खिलाने के लिए उतना ही ज़्यादा अपने पास अनाज होने चाहिए। तो मैं सारा अनाज अभी मैं यहाँ पर लगा दूंगा और सही जगह पर लगाने वाला हूँ। तो मैं सारे जगह को एक बार सब कुछ सही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरे जगह को मैं टोटली अनाज के लिए यूज़ करने वाला हूँ, पानी के साइड में एकदम सी साइड पे। बट मेरे पास अभी तो उतने सारे अनाज नहीं है, बट जितने हैं मैं सारे जगह पे लगा देंगे। तो गाइस रात हो गई थी इसलिए मैंने काम को आगे नहीं बढ़ाया, बट हाँ उससे पहले मैंने बहुत सारा अनाज वगैरह का जुगाड़ कर लिया था। और बारिश भी चल रही थी यार, कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। हाँ तो उसके लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बारिश का आवाज़ ना कंटिन्यूसली कान पे आता रहता है। और ये देखो इतना सारा मैंने सारे फसलें जो ना इधर लगा देने वाला हूँ आज, क्योंकि मैंने बहुत सारा फसल यहाँ पे जुगाड़ कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अपने पास अभी बहुत सारा चारा आने वाला है आने वाले टाइम पे,
और यहाँ पे ना मैं पूरा भर देने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी इन सब को जो है लगा दिया था, बट इनको मैं तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये ऑलरेडी देखो बन चुके हैं बहुत, ये तो ऑलरेडी बन चुका है, अब ये भी बन रहा है, मैं इनको यहाँ से दोबारा से खोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जितने सारे चाड़े बनेंगे ना, ये सारा कुछ मैं यूज़ करने वाला हूँ। और मैं इनके साइड पर ना थोड़ा सा एक गार्ड टाइप का बनाने वाला हूँ, लाइक यहाँ पे जैसे मैं डर्ट का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे इन सारे एरियाज़ में। ओके ये लग गया, तो यहाँ पे ना मैं एक्स्ट्रा एरियाज़ बना दूंगा ताकि यार वो जो मेरे अनाज जो उगते हैं वो बार बार साइड में गिर जाते हैं, तो मैं उसके लिए प्रोटेक्शन बना रहा हूँ। बाद में तो मैं यहाँ पे फेंस का भी एक गेट बनाने का सोच रहा हूँ जो कि मैं कर दूंगा बहुत ही जल्दी। तो गाइस इन सारे एरियाज़ में ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करके डर्ट्स तो लगा दिया है, और मुझे थोड़ा सा बाद में और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ना ये वाला एरिया मुझे एकदम सफिशियंट मिल चुका है। और यहाँ पे जितना सारा बचा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ और डाल देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा और एरियाज़ मिल जाए। तो ये वाला एरिया मुझे एक्स्ट्रा मिल गया ताकि यार यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर सकूँ और अपना फसल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा और लगा सकूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा यहाँ पे सब कुछ तो बनना शुरू हो चुका है। तो गाइस बिना फालतू आज से टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने फार्मिंग पे भी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त वाला जोर लगाने वाले हैं ताकि अपने पास हेल्थ का कोई इशू ही ना आए, क्योंकि मुझे हेल्थ एकदम अपने तगड़े वाले रखने हैं हमेशा के लिए, और मैं अपने घर को भी कंटिन्यूअसली बिल्डअप करता रहूँगा। इनकी आबादी तो भाई वैसे बढ़ती जा रही है, तो मुझे टेंशन लेने की बात नहीं कि हाँ एक कम से कम आबादी तो बढ़ रही है, दो गाय का हो चुका है, अब मुझे और ज़्यादा जितना चाहिए ना वो स्पेशली गाय चाहिए और दूसरा चाहिए शिप, बट शिप तो अगर मिल नहीं रहा है तो मुझे वीट के जरिए गाय की तादादी मतलब आबादी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा। बट एक सेकेंड भाई ये क्या है, ये कहाँ से आ गए? अभी एक सेकेंड भाई, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया अचानक से, ये क्या हो गया सीन, ये कहाँ से आ गया भाई, ये क्या सीन है, ये विलेजर्स लग रहे हैं भाई, कहाँ पे मेरे घर पे क्या चाहते हो ब्रो, व्हाट, ये कहाँ से आ गया, ऊपर ही है भाई, ऊपर ही खड़ा है, ये क्या सीन है मेरे घर पे, रेड वेट कर दिया गया। एक सेकेंड भाई ये क्या चल रहा है, ओ भाई साहब, नहीं 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 दरवाज़ा गलती से भी मत खोलना दरवाज़ा। अबे यार मेरे जानवर लेके भागेंगे नहीं ना, एक सेकेंड भाई मेरा जानवर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए, पीछे से देखता हूँ मैं, एक सेकेंड ये क्या सीन था भाई, मेरे बिन बुलाए मेहमान कहाँ से आकर अटैक करके चले गए मेरे ऊपर, फालतू का भाई, ये देखो गाइज इनके साथ ना मैं पंगा नहीं ले सकता क्योंकि ये लोग ये देखो भाई ये लोग लिटरली बहुत पावरफुल है, इतने सारे लोग आ चुके हैं और स्पेशली इनके पास देखो क्रॉसबो वगैरह कुछ भी है तो ये मुझे आराम से मार सकते हैं। मैं ना इतना फालतूगिरी नहीं करूँगा, इनको देखता हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं, वैसे एक कहाँ जा रहे हैं, ये कुछ तो सीन है ये कौन है भाई, एक सेकेंड भाई मारना मत, ठीक है गाइज मुझे पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आ गए और क्या चाहते हैं मेरे से, वो तो क्या शुक्र मनाओ मैंने राइट टाइम पे अपने घर का रास्ता ले लिया था, नहीं तो ये स्कैम करके जाते हैं, मुझे एक टाइम पे लगा भाई मेरा घर का दरवाज़ा खोल के ना घुस जाए ये लोग, वैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा लिया था बट स्टिल यार डर तो लग रहा था क्योंकि ये इंसान थे, ज़ॉम्बी होते फिर भी बोल सकते हैं भाई पागल है, चलो कोई बात नहीं पागलों की तरह वो भाग जाएंगे, वैसे भी दरवाज़ा क्या खोलेंगे वो, लेकिन यार ये तो मतलब नॉर्मल इंसान थे यार, और मेरे पास आके क्या चाह क्या रहते ये लोग, अभी भी नहीं गया भाई, अभी भी नहीं गया ये, अब अकेला है, अगर आएगा तो खाएगा, ये अभी भी नहीं गया भाई साहब, अलग ही स्कैम है, मैं सो जाता कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रात के टाइम पे मैं कुछ भी फालतू का पंगा लूंगा नहीं, और ये बंदा तो जाने का नाम नहीं ले रहा है भाई, मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे इसकी वजह से, मैं डर के मारे इसके वजह से मैं निकल भी नहीं सकता हूँ। तो क्या इस बंदा ना अभी भी वाइप पर ही है, देखो एक ही बंदा है जो कि तब से टहले जा रहा है बट पता नहीं इसको क्या चाहिए, इधर ही मेरे घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, देखो एक बार उधर जा रहा है एक बार इधर आ रहा है, ये देखो दोबारा से यहाँ पे आ गया, अब इसको ना मैं सोच रहा हूँ निकल के ही मारूंगा। तो गाइस लेट्स डू इट, तू कौन है बिना परमिशन का क्यों आया है, बिना परमिशन का कौन, तेरे को किसने बताया यहाँ पे आने के लिए भाई साहब, मतलब कुछ भी यार लिटरली मैं बच गया वो अलग बात है बट ये क्या था, हाँ मतलब कुछ भी, मेरे घर पे बिन बुलाए मेहमान मैं पसंद नहीं करता हूँ भाई, ऐसे आ जाए कोई, बट इनके साथ ही आ रहे गाइस, इनके साथ ही ना आ जाए, मैं वही सोच रहा हूँ इनके साथ ही वही पे है,
और मैं रिस्पॉन यार खतरनाक सीन हो गया यार, क्या फालतूगिरी कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, एक तरफ से अच्छा ही हुआ क्योंकि मेरे पास हेल्थ नहीं थे और मेरा सारा सामान जाएगा नहीं क्योंकि मैं घर के आसपास ही था। लेकिन भाई उन लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया, अब उनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला ना। चले तो गए भाई ये लोग, बट आने नहीं चाहिए, बिल्कुल आने नहीं चाहिए। और मेरा वेट वेट अभी भी नहीं बना है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक नहीं बन रहा है तब तक मैं यहीं पे रहता हूँ। और ये लोग ना, इन लोगों को मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ये लोग साथ में आ गए तो गंदा वाला पीटेंगे मुझे लगता है। तो गाइस तब तक ना एक काम कर लेता हूँ, मैं जल्दी से कुछ फेंस बना लेता हूँ ताकि मैं वो अपने जो मैं अनाज वगैरह को फार्मिंग कर रहा हूँ उन सभी को मैं थोड़ा सा गार्ड दे सकूँ, क्योंकि वैसे खुले में वो अच्छे नहीं लग रहे ना, तो मैं उनको गार्ड में रखना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। ओके तो गाइस 8-8 प्लैंक्स यहाँ पे मैंने साइड पे रख दिया है और बाकी तो स्टिक्स भी मैंने 8-8 रख दिया है, तो सेम एकदम क्वांटिटी में मिलने वाला 24 फेंस मिल गया है मुझे। और मेरे पास चेस्ट में कुछ था क्या फेंस मैंने रखा था, हाँ यस 4 और फेंस मिल गया मुझे, तो 28 फेंस मिल चुके हैं। अभी मैं जल्दी से जाके ना अपने, अरे भाई यार मेरा पता नहीं हेल्थ का यार बहुत ज्यादा, मैं पढ़वाई नहीं करता हूँ क्या है कुछ है, तो चलो कोई बात नहीं, इसका ना मुझे पढ़वा करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहा हूँ इसकी वजह से, जिसके बाद मेरा बहुत हेल्थ जा रहा है। तो मैं ना इस साइड से यहाँ पे, अच्छा तो ऐसे करके मैं कुछ, अरे भाई ऊपर क्यों लग गया यार, खैर छोड़ो इसको मैं बदल दूंगा, मतलब इसको मैं तोड़ दूंगा, बट यार कहाँ पे लग गया यार। चलो ठीक है ये सही लगा है, ये सही लगा है, एक सेकेंड ये आ गया, तो इसको ना मैं टोटली एक लाइन पे लाना चाहता हूँ। ओके तो गाइस मैंने फाइनली ये वाला सीन तो कर दिया अपना, यहाँ पे फेंस लगा दिया। और यहाँ पे ना मुझे शायद से एक चीज़ कर देना सही रहेगा, अगर मैं यहाँ पे बीच से एक पानी का बॉर्डर लाइन कर दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अनाज जल्दी से जल्दी उगना शुरू हो जाएंगे, तो शायद से मुझे वही कर देना सही रहेगा। इससे ना मदद मिलेगी बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फार्मिंग भी कर सकता हूँ उसके साथ साथ, और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होने वाली है। तो इसके लिए मुझे ये बीज वाला जो है इसको उड़ा देना पड़ेगा, और इसको उड़ा के मुझे साइड में लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी इन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे साइड पे मैं ना, एक सेकंड, मेरे पास शवल भी है साइड से, यस शवल भी है मेरे पास, तो इस पिकेक्स को हटा के मैं यहाँ से शवल का यूज़ करता हूँ और इन सबको मैं यहाँ से उठा देता हूँ, उड़ा देता हूँ, जो भी बोलोगे वही कर देता हूँ। और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं उन अनाजों को यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो ये मैंने कर दिया क्लियर, यहाँ पे लगा दिया मैंने सारा कुछ, और ये रख गया यहाँ पे लग गया, एक और बच रहा है जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे ना गाइस बीज में से जितना भी बच रहा है ये सारा मैं उड़ा देने वाला हूँ अभी के लिए। अरे भाई नीचे भी अभी बहुत ज़्यादा है, तो पानी तो फिलहाल ऊपर तक शायद से नहीं आ रहा है, तो इसको मैं देख लेता हूँ कहाँ तक जा रहा है क्या जा रहा है। मैंने बीच का सारा रास्ता जो है क्लियर कर दिया ताकि पानी निकल जाए, बट मैं नहीं पानी में जाना चाहता ब्रो। तो गाइस अभी ना मैंने एक साइड तो कर दिया, दूसरे साइड में करने जा रहा था, बट इसमें ना क्या सीन है कि पानी नहीं निकल रहा, मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इनके नीचे ब्लॉक ज़्यादा है, तो मैं इसको आज नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, रात हो चुका है, तो मैं जल्दी से जल्दी घर जाके सो जाता हूँ और कल सुबह उठ के मैं इस सबको क्लियर कर दूंगा। वहाँ से पानी निकलना ज़रूरी है क्योंकि बीच में अगर पानी रहेगा तो अनाज जल्दी से जल्दी उग जाएंगे, मेरे को भी ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसीलिए ना वो लेफ्ट वाले साइड में यहाँ पे अनाज थोड़े से लेट में उग रहे हैं, मुझे अभी बुझा के पता चला कि इसका ना पानी का कुछ सीन ऐसा है कि यहाँ पे पानी निकल नहीं रहा है, तो मुझे ना पहले जाके एक शवल भी बना लेना पड़ेगा, मेरे पास शवल खत्म हो गए, तो जल्दी से जाके मैं शवल बना लेता हूँ, एक शवल की ज़रूरत है। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे एक शवल बना लिया है और जल्दी से जल्दी जाता हूँ यहाँ पे शवल की मदद से, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा वैसे कितनी नीचे आ जाता है पानी, बट अभी के लिए मैं क्योंकि बकेट नहीं बना पाया हूँ, मेरे पास आयरन नहीं है अभी के लिए, मैं बकेट भी नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे पानी ही निकलना पड़ेगा और नीचे स्टोन भी आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत भाई। तो गाइस अभी ना मुझे एक बहुत कमाल का आइडिया आया, मुझे पता नहीं कि यार ये सब आइडियाज मुझे बाद में क्यों आते हैं, मैं नीचे फालतू करके खोदते जा रहा था क्योंकि साइड में पानी है ऑलरेडी और मैं, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई मैं नीचे खोदूँ, तो पानी क्योंकि ऑलरेडी साइड से आ रहा है, मुझे बस एक टनल टाइप वो बनाना था ताकि बीच में से पानी आ जाए, तो बस यही चीज़ करने के लिए मैं इतना ज़्यादा तकलीफ के अंदर से जा रहा था, बट अभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ब्रो। एक सेकंड भाई तुम लगते क्यों नहीं हो, मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या दिक्कत है, एक सेकंड ये लग गया, ओके तो फाइनली गाइस आ चुका है, अब पानी के लिए ये वाला रास्ता सही है, एकदम बिल्कुल सही है, यहाँ से आ जाएगा पानी आसानी से आई थिंक। भाई आ क्यों नहीं रहा है, मुझे थोड़ा सा और इसको नीचा करना पड़ेगा आई थिंक, अब आ जाएगा, एक सेकंड भाई आना यार क्या कर रहा है भाई, क्या तकलीफ है तेरे को। ओके आ चुका है फाइनली, अब मैंने यहाँ पे पानी, तो भाई यहाँ पे पानी आना जाना चाहिए था बट अभी तक आया नहीं। ओके चलो ये वाला तोड़ देता हूँ, अब आ जाएगा। ओके तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे पानी तो पूरी तरीके से देखो निकल दिया है, अब शायद से जो है अपने अनाज
जल्दी से जल्दी उग जाने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं होता है तो मुझे दोबारा से जो है यहाँ पे इस जगह को फिलअप करके अपने बकेट से पानी ला के इसको थोड़ा सा ऊपर में लाना पड़ेगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा नीचे हो गया है। और अगर उतना ही है तो शायद से मुझे अपने अनाजों को थोड़ा सा और नीचे लगाना सही रहेगा, बट वो बाद वाली बात है। फिलहाल के लिए अपने अनाज एकदम सही सलामत है और मैंने अपना सही जगह बना लिया है और एकदम मस्त मस्त दिख रहा है। वैसे कुछ भी बोलो, एक सेकंड, ये वाला अनाज ना थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, इसको यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा देते। अरे एक सेकंड, यहाँ पे ये लगेगा नहीं, तो मुझे इसको ये कर देना पड़ेगा। और ये हो गया, लग गया। और यहाँ पे बीच में एक जगह बच रहा है जिसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली गाइस अपना सब कुछ हो चुका है। और ये वाला अनाज बीच में क्यों लगाया है, यहाँ पे लगा दो ना, एकदम लाइन बराबर होगा, सब कुछ पैरेलली होगा तो बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, फाइनली अपना जो है अनाज का यहाँ पे मैंने टोटली मैनेजमेंट कर दिया। यहाँ पे अपना ये वाला होगा और यहाँ पे अपने गाय भैंस सब कुछ रहेंगे और अपने शिप्स वगैरह भी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए सब कुछ। अबे एक सेकंड, मैं वही सोच रहा हूँ कि कौन मार रहा है, मार तो कोई रहा है भाई, ये क्या सीन चल रहा है। हेलो, अबे वो बंदे दोबारा से आ गया क्या। एक सेकंड भाई, ये अलग ही स्कैम चल रहा है मेरे साथ। कौन है भाई, वो कौन है, कोई दूसरा बंदा है जो कि मेरे घर पे बार बार अटैक कर रहा है अपने फौज वौज ले आके। खैर छोड़ो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने फार्मिंग को और ज़्यादा ग्रो कर लिया है, सब कुछ फार्म करना शुरू कर दिया है। तो यस गाइस, कैसे लगा और मेरा नया घर कैसे लगा आप सभी को बताना जरूर से कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड बाय एंड लव यू। We'll be right back.